हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स। और एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स के अंदर हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन के निमोनिक भी मैंने बताए थे, होपफुली आप लोगों को याद हो गए होंगे। और उसके बाद में हमने मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल को डिस्कस किया, एंड देन पायरेंटल पैमोएट और पाइपराजीन को कंपेरेटिवली डिस्कस किया। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाईथाइल कार्बामाजीन। ओके, सो डाईथाइल कार्बामाजीन को लेकर आप इस तरह से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि एक और ड्रग आती है हमारे पास में, कार्बामाजिपीन। ओके, कार्बामाजिपीन। तो कभी कभी बच्चे जो है आगे का डाईथाइल भूल जाते हैं और उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर डाईथाइल कार्बामाजीन है और एंटी कन्वल्सेंट ड्रग कार्बामाजिपीन है, वहां पर पी लेटर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाईथाइल कार्बामाजीन जो है 1948 में डिस्कवर हुई थी, और 1948 में इसको सबसे पहले फाइलेरिया सिस्ट के लिए डिस्कवर किया गया था। सो इट वाज द फर्स्ट ड्रग फॉर फाइलेरिया सिस्ट। फाइलेरिया सिस्ट के लिए ये डिस्कवर की जाने वाली फर्स्ट ड्रग थी। तो अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर फाइलेरिया सिस्ट होता क्या है। क्लियर। तो फाइलेरिया सिस्ट को अगर हम हिंदी में बात करें तो फाइलेरिया सिस्ट को हम हाथी पांव बोलते हैं। आम भाषा में इसको हाथी पांव बोला जाता है। हाथी पांव क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग जो है यहाँ पर इन्फेक्टेड होता है, तो उस ह्यूमन बीइंग को क्या होता है, उसकी लेग जो है बिल्कुल हाथी की जैसी हो जाती है। क्लियर। सो अब ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर जो है फाइलेरिया सिस्ट किस तरह से होता है, यहाँ पर हमारे पास में दो निमेटोड्स हैं। दे आर टू निमेटोड्स। ये निमेटोड्स कौन कौन से हैं? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड ब्रूजिया मलाई। सो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड ब्रूजिया मलाई जो है दोनों ही इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है। सो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो 90% है, और ऑलमोस्ट 10% कंट्रीब्यूशन जो है ब्रूजिया मलाई का है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई की है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में। क्लियर। अब यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर फाइलेरियासिस होता कैसे है। हम यहाँ बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सुपरफिशियली इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फाइलेरियासिस हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फाइलेरियासिस जो है वो मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है। सो दिस इज मॉस्किटो नंबर वन, दिस इज मॉस्किटो नंबर वन एंड दिस इज मॉस्किटो नंबर टू। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो मॉस्किटो नंबर वन है इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर जो ब्रूजिया मलाई हो सकता है या फिर वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ से जब कभी भी ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन बींग को बाइट करेगा, नाउ दीज वर्म्स जो हैं, ये वर्म जो है कहाँ ट्रांसमिट हो जाएंगे, ह्यूमन के ब्लड के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। ह्यूमन के अगर ब्लड में ट्रांसमिट हो जाएंगे, सो दे आर ट्रांसमिटिंग इनटू द ब्लड, एंड ब्लड से फिर कहाँ चले जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद क्या होगा, ये फर्दर यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे, दे आर ग्रोइंग, ग्रोथ करेंगे। इसका मतलब, ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है फर्दर डिवीजन करेंगे और जनरेशन इंक्रीज करेंगे, जनरेशन जो है वो बढ़ाएंगे, तो काफ़ी सारी इनकी जनरेशन हो जाएंगी। तो अब ह्यूमन बीइंग की बॉडी में बहुत सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हमें वर्म्स मिल जाएंगे, और वर्म जो हैं वो सारे कहाँ पहुँच जाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पहुँच जाएंगे। अब जब लिम्फेटिक सिस्टम में पहुँच जाएंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम को भी क्या कर देंगे, ये डैमेज कॉज कर देंगे। सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा ह्यूमन बींग का, क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे वर्म जो हैं अगर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन बीइंग की जो लेग्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, ये जो लेग्स हैं बहुत ज़्यादा ये लेग्स क्या हो जाएंगे, इनका डायामीटर बड़ा हो जाएगा और बिल्कुल एलिफेंट के लेग की जैसी दिखेगी, हाथी के पांव जैसी दिखेगी। तो ये डायामीटर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर एवरीवन।
इसी की इमेजेस मैं आपको यहाँ पर शो भी कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैग जो है वो किस तरह से हो जाती है पेशेंट की। क्लियर। अब अगर यही जो मॉस्किटो है, अगर कोई अनइन्फेक्टेड, ये मॉस्किटो अनइन्फेक्टेड है, अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो है, अब ये अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड मैन को बाइट करेगा, अगर ये क्या करेगा, इन्फेक्टेड मैन को बाइट करेगा, तो क्या होगा? नाउ यहां पर क्या है हमारे पास में, ये वर्म्स जो हैं, दीज वर्म्स जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, यहां पर जो मॉस्किटो है उसके अंदर, नए मॉस्किटो के अंदर, अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो में वर्म चले जाएंगे। नाउ दिस अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो बिकम इन्फेक्टेड। अब ये जो है वो क्या बन गया है, इन्फेक्टेड हो गया है। अब ये मैन टू को जो है वो फर्दर इन्फेक्ट कर देगा। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। क्लियर एवरीवन? हेलो एवरीवन, नाउ लुक एट दिस वर्म नेम इज वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड नाउ दिस वर्म कैन इन्फेक्ट दिस मॉस्किटो एंड दिस मॉस्किटो इज द ट्रेवलर और ट्रांसमीटर ऑफ दिस इन्फेक्शन फाइलेरियासिस। नाउ दिस मॉस्किटो कंटेनिंग दिस वर्म्स एंड आफ्टर बाइटिंग बाई दिस मॉस्किटो टू द ह्यूमन बींग दिस इज द लैग सच काइंड ऑफ इन्फेक्शन में स्प्रेड। सो दीज आर द लैग्स एंड लैग्स बिकम लुक लाइक एलिफेंट लैग, दैट्स वाई दिस डिजीज इज नॉन एज एलिफेंटियासिस। ओके एवरी वन, अब यहाँ पर हम फर्दर देखने का इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो किस तरह से ये ड्रग जो है DEC जो है वो किस तरह से एक्ट करती है वो देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर समझिए हमारे पास में क्या है, ये वर्म्स हैं और वर्म्स की सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ वर्म्स, दिस इज वर्म सेल। क्लियर, ये वर्म की सेल हो गई हमारे पास में। अब जो सेल है तो उसकी इंटीग्रिटी होगी कुछ ना कुछ, तो यहां पर जो है मल्टीपल लेयर्स होंगी इसकी। तो यहां पर जब हमारी DEC जब वर्म्स के पास पहुंचेगी, DEC जब क्या होगी, वर्म्स में अटैच होगी, मींस वर्म्स के वर्म्स तक पहुंच रही है, तो जब DEC जब यहाँ पर पहुंचेगी तो वो क्या करेगी, इस ऑर्गेनल्स को, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन्स को क्या करेगी, वो डैमेज करेगी, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। क्लियर, मेम्ब्रेन डैमेज होगी। तो यहां पर देखिए इस तरह से मेम्ब्रेन यहां पर क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द मैकेनिज्म। अब जब यहां पर ये डैमेज हो चुकी है मेम्ब्रेन, तो सेल लीकेज भी हो सकता है, प्लस की प्लस यहां साथ के साथ में क्या हो गया है, जो वर्म की जो सेल है वो वीक हो चुकी है। सो यहां पर वर्म सेल बिकम वीक, वीक हो चुकी है सेल, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल को आसानी से क्या किया जा सकता है, फैगोसाइट किया जा सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस कौन करेगा, यहां पर जो ह्यूमन बींग की इम्यून सेल्स हैं, दिस इज इम्यून सेल होस्ट इम्यून सेल। होस्ट इम्यून सेल का मतलब हो गया कि ये मैन की, मैन और वुमेन जो भी इन्फेक्टेड है उसकी क्या है, होस्ट इम्यून सेल है। तो यहां पर अगर हम ये बात करें, ये जो है हमारे पास में माइक्रोब है, सॉरी वर्म है, तो वर्म को क्या कर दिया जाएगा, दिस इज फर्दर वीकेंड से एनगल्फ कर लिया जाएगा, यहां इसको क्या कर लिया जाएगा, एनगल्फ कर लिया जाएगा, और इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। क्लियर? सो फैगोसाइटोसिस हो रहा है। एंड सेकेंड जो है, द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज वॉट, DEC की स्ट्रक्चर में जो है पाइपराजीन रिंग अवेलेबल है, पाइपरा जीन रिंग
प्रेजेंट. सो ये क्या करती हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज वॉट, ये हाइपर पोलराइजेशन करती हैं. क्या करती हैं, ये हाइपर पोलराइजेशन कॉज करती हैं. अगर हाइपर पोलराइजेशन कॉज करेंगी तो हाइपर पोलराइजेशन भी फर्दर क्या करेगा, सेल को डैमेज ही करेगा, और सेल को जो वर्म्स हैं वर्म्स को क्या करेगा, डिसलॉज कर देगा, डिसलॉज द वर्म्स, वर्म्स को क्या कर देगा, डिसलॉज कर देगा. थर्ड जो मैकेनिज्म कुछ साइंटिस्ट इसकी बताते हैं वो क्या है, बेसिकली ये क्या करती हैं, डीसी जो है डीसी इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ एराकिडोनिक एसिड, इनहिबिट इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ एराकिडोनिक एसिड. अगर एराकिडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा तो फर्दर क्या होगा, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, एराकिडोनिक एसिड का क्या बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा. और एराकिडोनिक एसिड का अगर अमाउंट बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो इम्यून सेल है, जो वर्म की जो सेल्स हैं, वो वर्म की सेल्स जो हैं होस्ट सेल के फेगोसाइटोसिस होने के लिए वनरेबल हो जाएगी, मतलब कि वो आसानी से क्या हो जाएंगी, उनका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा. सो एराकिडोनिक एसिड का अमाउंट का बढ़ने से फेगोसाइटोसिस होने में आसानी रहती है. ओके, सो हर एक मैकेनिज्म जो है यहाँ पर, फर्स्ट मैकेनिज्म मैंने आपको बताई यहाँ पर, वो क्या कर रही, ऑर्गेनल सेल मेम्ब्रेन जो है उसको डैमेज कर रही हैं. सेकेंड जो था हमारे पास में, अगर हम इसी के साथ में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फैगोसाइटोसिस हो रहा है, और फैगोसाइटोसिस में मदद कौन कर रहा है, अमाउंट ऑफ एराकिडोनिक एसिड जिसका जो कि इंक्रीज हो गया, वो यहाँ पर मदद कर रहा है फैगोसाइटोसिस होने में. और फैगोसाइटोसिस कौन कर रहा है, होस्ट की इम्यून सेल. एंड थर्ड जो है हमारे पास में, पाइपराजीन रिंग की मौजूदगी होने की वजह से यहाँ पर क्या कर रही है, ये हाइपर पोलराइजेशन कर रही है, किसके अंदर, वर्म के अंदर, और वर्म को फर्दर क्या कर रही है, डिसलॉज कर रही है. ओके एवरीवन, सो होपफुली आपको यहाँ पर मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी. अगर हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर देखें, सो ओरल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका, ओरली इंजेस्टेड करने के बाद में, ओरली इंजेस्टेड करने के बाद में इट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब हो जाएगी. मेटाबॉलिज्म जो होगा इसका, मेटाबॉलिज्म इज अकर इन द लीवर, लीवर में होगा, और एक्सक्रीशन जो होगा इसका, एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन हो जाएगा. क्लियर. अब यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये यूरिन से एक्सक्रीट हो रही है, सो अगर एसिडिक यूरिन होगा, इफ यूरिन is acidic, then faster जो है इसका excretion होगा, faster excretion होगा. तो आप लोगों को ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर acidic urine है तो यहां पर इसका excretion क्या होगा, fast होगा. Clear everyone? आगे बढ़ते हैं फर्दर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में. अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 to 5 liter पर केजी है. ओके, और टी हाफ अगर हम देखें तो टी हाफ जो है वो 4 to 12 hours है, ऑन डिपेंडिंग ऑन द पीएच, डिपेंड ऑन द पीएच कि पीएच क्या है, यूरिनरी पीएच क्या है, क्योंकि यूरिनरी पीएच के थ्रू ड्रग जो है फाइनली एलिमिनेशन टी हाफ होगा, तो यहां पर वेरिएबल टी हाफ होता है. क्लियर एवरीवन. नाउ लुकिंग ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में ये क्या कॉज कर रही है, ये कॉज कर रही है प्रूराइटिस, देन इट कॉज फॉल इन बीपी, बीपी फॉल कर रही है. सेकेंड जो है वो ब्रोकियो स्पाज्म कर रही है. ओके, और फर्दर क्या कर रही है, जीआई ट्रबल कॉज कर रही है, एंड एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड.
क्लियर एवरीवन? सो दीज आर द एडवर्स इवेंट, ये एडवर्स इवेंट कॉज कर रही है. क्लियर एवरीवन? सो यहां पर आप इसको लर्न कैसे करोगे? देखिए इसको लर्न करने की बहुत ही आसान ट्रिक है. आप लोग पबजी गेम खेलते होंगे, क्लियर? सो पबजी से ही हम इसको लर्न करना है. पबजी एक्सीलेंट गेम है. कैसा गेम है? एक्सीलेंट गेम है, क्लियर? सो पब पी यू मीन्स प्रूराइटिस, बी फॉर बीपीफॉल एंड बी फॉर ब्रोकियोस्पास, जी फॉर जीआईटी ट्रबल कॉज कर रही है एंड एक्सीलेंट ई फॉर एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, ये कॉज कर रही है, क्लियर? अब यहां पर देखने वाली बात है कि आप ये समझने का प्रयास करें कि यहां पर जो प्रूराइटिस, दिस प्रूराइटिस जो है एंड एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड है, हो गया हमारे पास में ब्रोकियोस्पास्म जो है और बीपी फॉल जो है, ये सारी की सारी रिएक्शन क्यों हो रही है? व्हाई दे अकर? क्यों? क्योंकि जो निमेटोड्स हैं वो उनकी डेथ हुई है और डैमेज और डेथ हुई है, डैमेज जो हुए हैं और डेथ जो हुई है उसकी वजह से उन्होंने जो अपने टॉक्सिन्स रिलीज किए हैं, टॉक्सिन्स रिलीज जो किए हैं उसकी, उनकी रिएक्शंस की वजह से ये सारी रिएक्शंस होती हैं, क्लियर? सो इन सभी रिएक्शन से बचने के लिए क्या किया जाता है यहां पर हम, सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन? यहां पर हमारे पास में ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? तो सबसे पहले तो यहां पर हम एंटी हिस्टामिनिक देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दी जाती हैं, कॉर्टिको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, कॉर्टिको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं और डीईसी की जो डोज है वो कम की जाती है, डीईसी की डोज डिक्रीज की जाती है और अप टू 0.5 mg पर केजी तक की जाती है, क्लियर एवरीवन? सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है. जो जो भी प्रूराइटिस हुआ है, ब्रोकाइटिस, फॉल इन बीपी और एनलार्जमेंट ऑफ निम्फ नोड जो हुआ है टॉक्सिन रिलीज की वजह से, तो उन सबको ठीक कैसे किया जाता है, ये हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है. तो कभी कभी आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि वॉट आर द ऑप्शन अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइड इफेक्ट कॉज बाय डीईसी, क्लियर एवरीवन? तो यहां पर ये चीज जो है हमारे लिए जीपैट और नीट पीजी में इंपॉर्टेंट है, क्लियर? नाउ लुकिंग फॉर यूजेस, सो यूज हम कहां कर रहे हैं इसको? फर्स्ट हमारा यूज है फाइलेरियासिस में, हम कर रहे हैं फाइलेरियासिस, देन लोवा लोवा इंफेक्शन एंड ट्रॉपिकल इओसिनोफीलिया, ट्रॉपिकल इओसिनोफीलिया, ओके? सो यहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं. तो आप लोग इसको लर्न कैसे करेंगे? बहुत आसान है इसको लर्न करना. यहां हमारी जो निमोनिक्स है वो क्या है? फिला टॉक शूज लो, ओके? फिला शूज आपको पता ही है और फिला जो कंपनी है वो टॉप मोस्ट कंपनी है. सो फिला मीन्स फाइलेरियासिस, फिला मीन्स फाइलेरियासिस, टॉप शू मीन्स ट्रॉपिकल इओसिनोफिल्स, टॉप मीन्स ट्रॉपिकल इओसिनोफिल्स एंड लोवा मीन्स लोवा लोवा, यहां से आप लोगों को याद रह जाएगा. अब यहां हम बात करते हैं कि आखिर फाइलेरियासिस में हमारे पास में व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, क्या किस तरह से डोज दी जाती है. सो 2 mg पर kg TDS 3 times अ डे जो है वो दी जाती है ड्रग को और फॉर 7 days. और अगर हम इसकी टोटल डोज की बात करें सो ऑलमोस्ट 72 to 126 mg पर kg जो है स्प्रेड होती है, टोटल 12 to 3 week पीरियड के दौरान इतनी डोज जो है वो लग जाती है. और अगर इसका 100% हमें और मोस्ट 99 to 100% अगर क्योर करना है तो
यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑलमोस्ट 3 to 4 week के गैप के साथ, 3 to 4 week गैप के बाद थेरेपी जो है रिपीट करनी पड़ती है, थेरेपी रिपीट करनी पड़ती है, once a time और twice, एक बार या दो बार जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड। सो ये तो हमारे पास में फाइलेरियासिस का ट्रीटमेंट ऑफ हो गया। हम यहाँ पर लोअर लोअर को देखें तो अडल्ट वर्म जो है, अडल्ट वर्म ऑफ लोअर लोअर जो है वो किल किया जाता है, किल्ड बाय डीईसी, बट ऑंको सेरा का वॉल्वुलस नॉट किल्ड बाय DEC। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि एडल्ट वर्म जो है लोअर लोअर वो तो क्या DEC किल कर देती है, बट जो ऑंकोसेरा वॉल्वोलस है उसको नहीं किल कर सकती है DEC। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर एवरीवन? हेलो एवरीवन, नाउ डिस्कसिंग सम फैक्ट्स ऑफ डाइथाइल कार्बामाजीन। सो द फर्स्ट फैक्ट इज इट इज अ माइक्रोफाइलेरिसाइडल, एंड सेकेंड इज इट इज अ स्लो एक्टिंग मैक्रोफाइलेरिसाइडल, एंड द थर्ड वन इज इट किल माइक्रोफाइलेरी प्रेजेंट इन पेरिफेरल ब्लड, हाउएवर इट डू नॉट किल माइक्रोफाइलेरी प्रेजेंट इन हाइड्रोसिल एंड नोड्यूल। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यू शुड लर्न दीज फैक्ट। नाउ we are discussing now questions. So first question is, mechanism of action of diethyl carbamazine is: A, it block glucose uptake in worm; B, it cause hyperpolarization in worm; C, it alter microfilary organelle membrane and promote cell death; D, it activate nicotinic receptor and expel worms. So below are the options: P, A and B; Q, B and C; R, C and D; and T, A and D. Question number 2, first drug discovered for filariasis treatment is year: A, diethyl carbazine 1948, B, diethyl carbazine 1956, C, ivermectin 1948, and D, ivermectin 1956. Question number 3, in acidic urine, excretion of diethyl carbamazine is: A, fast; B, slow; C, unaffected; D, none. Question number 4, diethyl carbamazine is: A, microfilaricidal; B, macrofilaricidal; C, both of these; and D, none of these. Question number 4, diethyl carbamazine can: A, kill microfilaricidal, kill microfilary present in peripheral blood; B, kill microfilary present in hydrocele; kill microfilary present in nodules; and D, none. So I already given answer of all of these question in the lecture. So go through with the lecture and answer all of these question in the comment box. So यहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों से question discuss किए हैं, उन questions के आप answer करिए और video को like करें, channel को subscribe करें।